देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति की बात करें या उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, गहमा गहमी जारी है। मामला निकाय चुनाव का भी है, मामला 9 राज्यों में चुनाव का भी चल रहा है, इसके अलावा 24 का आम चुनाव, उसके लिए भी लगातार संगठन विस्तार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो वहां पर बैठकों का दौर चलता रहता है और बीजेपी कहा जाता है कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और बात सही भी है। बड़ी पार्टी है, वहां पर हमेशा पार्टियों में घटनाक्रम, बैठक, फेरबदल, बदलाव चलते रहते हैं। पर इसके उलट अगर हम बात कहें तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार बीजेपी में जो भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी में तमाम बदलाव की यहाँ पर तैयारी चल रही है। बदलाव क्या होंगे वो तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी भी संगठन विस्तार में लग गई है। अभी 5 जिलाध्यक्ष घोषित किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात कहें तो वहाँ पर भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, और जानकारी के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को पुराने लोगों को जोड़ने की और संगठन को मजबूत करने की एक जिम्मेदारी भी सौंप दी है। हालांकि इसकी कोई बड़ी बात नहीं बताई गई है, ना कि ये कहा गया है कि कोई स्पष्टली कहा है, पर ये सूत्र बताते हैं कि वहाँ पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि पुराने जो नाराज हैं उनको एक करने की और पुराने साथियों को जोड़ने की। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि प्रसपा और सपा के अलग अलग होने के बाद यहाँ पर स्थिति चल रही थी कि मतभेद की स्थिति आ गई थी। एक खेमा प्रसपा की तरफ यानी शिवपाल की पार्टी की तरफ, तो दूसरी खेमा सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की तरफ। खैर, अब मतभेद अलग हो चुके हैं और मतभेद की यहाँ बुनियाद एक हो चुकी है, और बुनियाद ऐसी कि इसकी झलक हमको मैनपुरी खतौली में देखने को भी मिली। भले ही बीजेपी इस बात को माने ना माने, पर एक बात स्पष्ट है कि जब दो महत्वपूर्ण अंग जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक जो प्रभाव होता है वो सामने आता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण अंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही महत्वपूर्ण अंग हैं। एक सपा प्रमुख जो कि दिवंगत रक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक और आधार रहे मुलायम सिंह यादव के पुत्र, तो दूसरे समाजवादी पार्टी के आधार रहे शिवपाल सिंह यादव यानी मुलायम सिंह यादव के भाई। इसके अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी भी लगातार सक्रिय है और यहाँ पर उसके द्वारा ही बैठकों का दौर जारी रहता है। और अगर विपक्ष की भूमिका की बात करें तो आम आदमी पार्टी समय समय पर चर्चाएं करती रहती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरती रहती है। अगर बात करें सुभाषपा की तो सुभाषपा भी अपने तमाम तरह की तैयारियों के बीच, तमाम तरह की यात्राओं के बीच उनके नेता भी यहाँ पर जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो गर्म किए रहते हैं, कभी अच्छाई को लेकर, कभी बुराई को लेकर और कभी तंज को लेकर। खैर, सुभाषपा में समय समय चलता रहता है और निश्चित रूप से आज की राजनीति की जरूरत भी शायद यही बन चुकी है। चर्चा महत्वपूर्ण है और चर्चा पे हमारे साथ मेहमान जो रूबरू करा लूँ, नेता भाजपा से केसी भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से जयप्रकाश पांडे भाई अपना पक्ष रखेंगे, दयाराम भार्गव सुभाषपा से अपना पक्ष रखेंगे, इमरान लतीफ आम आदमी पार्टी के फायर बैंड प्रवक्ता अपने पक्ष रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सुनील त्रिपाठी भाई अपना यहाँ पर राय देंगे। आप सभी मेहमानों इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा केसी भाई से। केसी भाई, निकाय चुनाव आने वाले हैं, 31 मार्च तक रिपोर्ट भी आ जाएगी, जो कमेटी बनाई गई थी, कमीशन बनाया गया था, उसके बाद निकाय चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी होंगी क्योंकि कारण बोर्ड परीक्षाएं भी हो चुकी हैं और होली का त्यौहार भी आज यहाँ पर होने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि बैठकों का दौर आपके यहाँ भी जा रही है और कुछ फेरबदल की उम्मीद भी यहाँ जताई जा रही है, किस तरह देखते हैं? और आने वाले समय में जिस तरह से समाजवादी पार्टी में जो दो धड़े थे वो एक हो चुके हैं और फिलहाल आपके लिए चुनौती बनने भी जा रहा है, ये बात भी स्पष्ट है, कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है गौरव जी कि भारतीय जनता पार्टी जी अपने संगठनात्मक ढांचे को लगातार मजबूत करने के लिए क्रियाशील रहती है जी और लगातार सक्रिय रहती है जी। अभी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है जी, उसमें मंडल अध्यक्ष से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के जी और बूथ के सारे पदाधिकारी तक जी कहीं ना कहीं आप देखिए कि ज्यादातर
ज्यादातर क्षेत्रों में वो कहीं ना कहीं मनोनीत किए जाते हैं, जी चुनाव के द्वारा चुन करके आते हैं, जी और कुछ जगहों पे मनोनीत भी किए जाते हैं। जी अब देखिए कि जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी नए आए हैं उत्तर प्रदेश में, संगठन मंत्री हमारे नए बन करके आए हैं, और पिछला जो 5 साल का कार्यकाल रहा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जी जब माननीय स्वतंत्र देव जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे और इसके पहले भी कई सारे अध्यक्ष रहे, तो आपने देखा कि संगठन में पहली बात तो ये है कि कई लोगों के पास संगठन में अभी भी संगठन का एक फार्मूला है कि एक व्यक्ति एक पद। अब कई सारे लोगों को जैसे जिम्मेदारी दी गई कि वो जो है MLC बन गए, विधान परिषद सदस्य है या विधान या जो है राज्यसभा सदस्य है, और उनके साथ साथ उनके पास जो संगठन की जिम्मेदारी है, तो संगठन की जिम्मेदारी के साथ साथ उनके पास अब शासन की भी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो ऐसे में शासन की जिम्मेदारी के साथ साथ आप देखिए कि जब प्रदेश अध्यक्ष जी बने तो प्रदेश अध्यक्ष जी उस समय कैबिनेट मंत्री थी, लेकिन उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद का परित्याग किया और पार्टी के संगठन को पूरे अच्छे ढंग से देख रहे हैं। आप देखिए इसके पहले माननीय स्वतंत्र देव जी जब हुआ करते थे, जब उनको बनाया गया था तो वो भी कैबिनेट मंत्री थे और उन्होंने भी अपने कैबिनेट पद का त्याग किया था जब उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी का। तो देखिए कई सारे लोग हैं जिन जो कहीं ना कहीं शासन में अब आ गए हैं, तो ऐसे में पार्टी की जिम्मेदारी, संगठन की जिम्मेदारी अच्छे से निर्वहन हो सके। अच्छा। तो ऐसे में एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला जो भारतीय जनता पार्टी का है उसको ध्यान में रखते हुए नए संगठन में नए लोगों को शामिल किया जाएगा और उनको जिम्मेदारी दी जाए जिससे कि पूरा की पूरा ध्यान वो अपने संगठन की तरफ लगा सके और संगठन को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ वो मिलजुल करके अच्छे से काम कर सके। अब पता चल रहा है कि दो दो जिम्मेदारी है कि आपको पता चल रहा है विधानसभा में भी उसी दिन बैठना है और उसी दिन क्षेत्र में कोई आपके आपको जिस जिले का प्रभारी बना दिया गया उस जिले में कोई बड़ा कार्यक्रम है तो उसमें वो शामिल नहीं हो सकता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप देखिए, पहली बात तो ये कि बूथ स्तर से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के और मंडल अध्यक्षों से लेकर के सारी चीजों पे एक बार फिर से मंथन हो रहा है कि कहाँ पे कौन से व्यक्ति सुटेबल है, किसको बैठाया जाएगा। अच्छा। और तमाम लोगों ने जिनके पास अन्य जिम्मेदारियां आ गई हैं उनको या तो वो जिम्मेदारी रखनी है या फिर उनको पहले की जिम्मेदारी से हट करके वहां पे नए लोगों को जिम्मेदारी। आपकी बात हो गई, सपा से चुनौती मिलनी नहीं मिलनी है, यहाँ पर एक होगा है चाचा भतीजा और निश्चित रूप से आपके लिए चुनौती का बिगुल बज चुका है। संगठन विस्तार भी हो रहा है, कवायद भी जारी है, आप खुद देख रहे हैं कवायद जारी है। जी नहीं नहीं गौरव जी, हम आप एक चीज याद दिलाते हैं। जी जब 2017 का इलेक्शन हुआ था, अच्छा, तब प्रसपा और सपा एक ही थी, प्रसपा और सपा तब अलग अलग नहीं थी। अच्छा, ऐसा नहीं था कि वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। जी और उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम क्या आए थे ये भी आपको मालूम है। जी यानी कि 2022 से भी अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के इलेक्शन में किया था। बिल्कुल किया था, जब ये साथ में थे जी, माननीय शिवपाल जी, जी और आदरणीय अखिलेश जी साथ साथ थे जी, और सब लोगों ने साथ में चुनाव लड़ा, उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना जी, और इस बार भी आप देखिए कि आपको तो नुकसान हुआ, चुनाव था 50 सीटों का। जी आपको नुकसान हुआ 50 सीटों से ज्यादा का। आप देखिए इस बार भी जो चुनाव था जी, इस बार को भी स्वीकार लीजिए जी। हेलो जी, आवाज आपकी आ रही मुझे, बोलिए किसी भाई, आवाज कट गई, फोन कट गया। बोले बोले आपकी आवाज आ रही मेरे को, किसी भाई आपकी मुझे आवाज आ रही है, किसी जन को दोबारा कनेक्ट किया जाए। ठीक है जबकि भाई, चुनौती नहीं होने वाली, कह रहे हैं कि 17 में भी जो स्थिति आई थी कुछ नहीं हुआ था, हालांकि 22 के परिणामों को भी चर्चा नहीं करते, नुकसान तो उनको हुआ था और आप यहाँ पर बढ़ के आ जाए, 47 सीट से 111 सीट पर आ गए थे। विस्तार चल रहा है, बीजेपी की अपनी थिंक टैंक है, उनकी अपनी रणनीति है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को कहा है कि पुराने लोगों को जोड़ने की कवायद शुरू करिए और जो ढांचा चुनाव के लिए तैयार होना चाहिए वैसी रणनीति से काम करना चाहिए। अनुभव उनको बोलता है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी उनको महत्वपूर्ण दी गई है, राष्ट्रीय महासचिव भी होना दिए गए। कैसे
अब देखिए बीजेपी के संगठन की तैयारी कैसी चल रही है वो उनका इंटरनल मैटर है जी, तो उस पर मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन हाँ एक चीज जरूर रहती है कि जब कोई दल सत्ता में रहता है जी तो उसके संगठन कौशल से उसकी जीत नहीं होती है, क्योंकि फिर तो जनता ये देखेगी कि आपकी जो सरकार चल रही है जी उस या जिस वादे के नाम पे आप आए हैं उनको कितना पूरा किए हैं, और वो आवाम आपकी जो नीतियां प्रचारित की जा रही हैं जी तो वो रियल जमीन पे कैसा है उसके अकॉर्डिंग फैसला देती है जी। तो वो इन्हें भी अच्छी तरह मालूम है कि आज आवाम की मतलब उत्तर प्रदेश के सूबे की जो जनता है वो किस हालात में जी। तो स्वाभाविक रूप से फैसला तो उसको लेना ही है, जो उस पर गुजर रही होगी उसके अकॉर्डिंग फैसला आना है जी। और जहाँ तक हमारा सवाल है तो वो देखिए प्रतिपक्ष के नेता हैं तो हम लोगों को तो स्वाभाविक रूप से उनके हर रणनीति के अकॉर्डिंग और अपने आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना ही है, और उसमें हम लोग समाजवादी हमेशा ही रहते हैं, चूंकि ये चुनाव चुनाव नहीं है जी। अगर 2024 में भाजपा फिर जीत जाती है तो 5000 बरस के इस देश के लोक संविधान तो हमारा 1947 में देश आजाद हुआ 50 से एक्टिव है, लेकिन ये देश ही लोकतांत्रिक है। अच्छा। क्योंकि अगर एक समाज लोकतांत्रिक नहीं होगा तो वहां कहिए कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सरवाइव करेगी ये हास्यास्पद है जी। क्योंकि अगर मेडिटेरियन कोस्ट को छोड़ दीजिए, भूमध्य सागर से भारत तक चले आइए तो कागज का संविधान का टुकड़ा बहुत जगह है, पाकिस्तान में भी है, ईरान में भी है, हर जगह बिल्कुल है। लेकिन ये है कि जो जनता है उसकी निष्ठा हो और जो संवैधानिक संस्थाएं वो एक्टिव रहती हैं तभी लोकतंत्र चलता है। तो इस देश की जो कल्चर है हमारी एक सद विपरा बहुधा बदंती वाली, मतलब असहमति को सुनने वाली सहमति, अच्छा तो ये है कि वो हमारी रूट में है, लेकिन जो ताकतें आज सत्ता में है अच्छा अगर ये जिस पैटर्न से शासन चला रही है तो वो ताकत सोच पाया पार्टी नहीं, ताकत कैसे नहीं, ये एक पार्टी नहीं है, अच्छा ताकत है, ये एक विचारधारा है, अच्छा विचारधारा, और विचारधारा कैसी है अच्छा कि हमें बड़ा दुख है कि अच्छा। मतलब हमारी इंटरनेशनल अगर रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे अच्छा तो उसमें हम सीपीसी श्रेणी में, कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न, अच्छा और उसमें बाबा जी के भी कारनामों की चर्चा है, अच्छा मतलब एक ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए नहीं है, मतलब इनके जो कारनामे अल्पसंख्यक जमात के लिए, पत्रकार भाइयों के लिए या जो भी असहमति, मतलब अब तो अगर आप गाना भी गा दे रहे हैं हाँ। उससे भी मतलब रिपोर्ट पुलिस लेके पहुंच जाएगी अच्छा। तो जिस तरह के लोकतंत्र का ढांचा जो जाहिर है कि गांधी नेहरू का देश है, बाबा साहब लोहियाबाद की पीढ़ी ने तैयार किया था हाँ। उसको जिस तरह से उसके गाना से सौहार्द खराब हो सकता है, गाना गाना के लिए मनाई थोड़ी ना है, गाना गाए, इतने पिक्चरों में गाना बनते हैं किसी पे नहीं, तो गाना कसीदा के लिए थोड़ी होता। मैं आपको बता दूं इस देश में जिस जहां की वो रहने वाली है नेहा जी, उसी बिहार से बाबा नागार्जुन थे, और मैं अपने दल की किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंदिरा जी जिसे आयरन लेडी कहा जाता था जी, इंदू जी क्या हुआ आपको, आप कविता जानते हैं जी, और कितने मतलब छात्रों के खून पीने तक का वर्णन है उस लंबी कविता में, बताइए। बाला साहब ठाकरे जी जो मतलब इतने शक्तिशाली आदमी थे जो खप पैदा करते थे अच्छा। उन पे भी उन्होंने कविता लिखी और उनको मुसोलिनी से रिलेट कर दिया, क्या मायावती जी पे भी कविता लिखा उन्होंने अच्छा। लेकिन ये है कि आज तक भारत में ये कभी नहीं हुआ कि बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक पहुंच गए हो और उस पे व्यक्तिगत हमला किए हो, हूटिंग किए हो, या इंदिरा जी, सोचिए इंदिरा जी तो इमरजेंसी लगाई थी ना जिसका रोना है रोते हैं अच्छा। तो अब आप ये सोचिए कि हमारे देश में जिनको ये कुप्रचार करते हैं वो भी असहमति की आवाज को और चौथे खंभे को कितनी आत्मीयता से पालते थे कि डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो हम ही आप नहीं बचेंगे, और वो इनका आज का एजेंडा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, नेहा सिंह राठौर भी सबसे देखा जाए बोलते नजर आए हैं कि वो भी यूपी सरकार के ऊपर ही गाना गाती है और कहीं गाना नहीं, क्या बात कर रहे हैं, बिहार का उस बिहार में गाई है कि हम गिरमिटिया बन के कैसे दूसरे शहरों में जा रहे हैं अच्छा, और वो हमारी पार्टी या किसी पार्टी का सदस्य, आप ये बताइए, गणेश शंकर विद्यार्थी कहते थे कि पत्रकार सत्ता का अस्थायी प्रतिपक्ष होता है जी, वो कसीदा पढ़ने के लिए सूचना प्रसारण विभाग है आपका, गोदी मीडिया, क्या बात है। तो वो अगर साहित्यकार ही इस देश के प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे और सत्ता की सीमाएं नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। चलो ठीक है, अगला सवाल है जगदीश भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा जयप्रकाश भाई, ये गोदी मीडिया शब्द जो होता है ना हाँ, ये गोदी क्यों, मीडिया तो मीडिया है, गोदी और नहीं, देखिए दो अलग चीज है, पत्रकारिता बड़ी महान है और निश्चित रूप से इस देश में पत्रकार तमाम बड़े बड़े नाम, मैं बता रहा हूँ जो देश के पत्रकार रहे, सुन लीजिए, इस देश में पत्रकार, भारत की जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी जी, शायद ही एक नाम हमें खोज के बता दीजिए जो पत्रकार भी नहीं था, मतलब अपने से प्रिंटिंग प्रेस भी चलाते थे जी,
और इशू भी निकालते थे, चूंकि इस दौर का आईटी क्रांति नहीं हुई थी, तो पत्रकारिता तो इस देश की आजादी की लड़ाई की संवाहक रही है। लेकिन जब कारपोरेट हाउस आए, मतलब आप जो चैनल चलाने के लिए जो 10-15 करोड़ रुपया इनिशियल चाहिए, तो वो कलम से तो हम पाएंगे नहीं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट आया कारपोरेट का। तो जब वो तो इसलिए नहीं आए हैं कि भारत में लोकतंत्र का संस्कार हो, वो तो इसलिए आए हैं कि उनको उतना पैसा लगाए हैं, उनको उतना पैसा चाहिए, चाहे वो सरकार क्रोनी कैपिटलिज्म दे दे सीधे सीधे एडवर्टीजमेंट से आ जाए। तो वो स्वाभाविक है कि गांधी जी की बकरी के खाने पर गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर बिड़ला हाउस से इसके खाने खुराक आ रहा है तो बिड़ला हाउस से पैसा वसूलेगा। तो स्वाभाविक बता रहा हूँ, कारपोरेट पत्रकार अच्छा है लेकिन वो जिस मीडिया हाउस से बधा है भाई, तो स्वाभाविक उसके आग्रह होंगे। आपकी 12 से 17 सरकारें तब आप गोडी मीडिया नहीं बोलते थे, भूल गए थे उस समय? नहीं, एक चीज बता दें आपको कि जैसे उत्तर प्रदेश में आप रहे ही हैं, कोई भी पत्रकार से पूछ लीजिए, जितना, जबकि सामाजिक न्याय से नेताजी आए थे और मंडल आयोग के बाद बड़ी तलखी थी। मुझे तो अपने 5 साल कार्यकाल बोलते नहीं बोलते। अरे मैं बता रहा हूँ, सुनिए क्या अंतर है। नेताजी पे हल्ला बोल कार्यक्रम भी होता था, क्योंकि मीडिया का जो वर्गीय आधार है वो स्वाभाविक रूप से पचा नहीं पा रहा था मंडल आयोग की रिपोर्ट को। और इस तमाम व्यक्तिगत टिप्पणियां नेताजी पे होती थी, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में अगर पत्रकारों को सबसे ज्यादा व्यक्तिगत उनकी चिंता, क्या बात, उनके सुख दुख की, और उनको आवास संबंधी समस्या रही हो या किसी भी तरह का, अगर किसी एक मुख्यमंत्री ने किया है तो हमारे नेताजी ने किया। तो इसलिए यह है कि वो किसी पत्रकार से, किसी वरिष्ठ पत्रकार, और इतनी, मतलब इतना सम्मान था कि जो भी मान्यता प्राप्त पत्रकारों की समिति का अध्यक्ष होता था, सबके घर नेताजी चल के जाते थे। और ये जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज, परम पूज्य महाराज जी की सरकार है, ये पत्रकारों से किस भाषा में बात करते हैं? पत्रकारों कहा जाता है तुम्हारी दुकान कैसे चल रही है। और बाकी जो एएनआई पे जितना एएनआई पे जो पवित्र शब्द बोले थे वो आप भी जानते, कहने की जरूरत नहीं। तो जाहिर है कि वो किस, मतलब जब आपका संबोधन इतना प्यारा है, आत्मीय है, तो आपके दिल में क्या जवाब लूंगा मैं, कैसे जवाब लूंगा अभी आप? ठीक है, ठीक है। प्रवक्ता सुभाषपा, दयाराम भाई तैयारी कैसी चल रही है आपकी? हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी है। कुछ लोग छोड़ के पार्टी चले गए, कुछ लोग छोड़ के सर पार्टी में चले गए। अब क्या करें, जिसके लिए कुर्बान हो रहे थे उन्होंने ही पीठ में खंजर घोप दिया। जी नारा भाई बोलिए, बीच में कौन बोल रहे हैं? जे प्रवक्ता सपा है। कह रहे जिस भाजपा के लिए कुर्बान हो रहे थे उन्होंने दूसरे से काम करवा दिया आपका। हम तो कह रहे थे कि देखिए उनपे विश्वास मत करिए। अपने मुद्दे पे बोलिए, ठीक है। चलिए दो शब्द कहता हूँ मैं, जी दो शब्द कहता हूँ अपने केसी भाई के लिए। जी केसी जैन जी हमारे बड़े भाई, हम दोनों मित्र भी है, बड़े अच्छे प्रवक्ता है। जी सनम, हम तो डूबेंगे तुम्हें ले डूबेंगे। अच्छा सनम, हम तो डूबेंगे तुम्हें ले डूबेंगे। अच्छा ये चरितार्थ समाजवादी पार्टी पे होती है। अच्छा मत करिए विश्वास। अच्छा 2024 आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2022 के चुनाव के बाद अनवरत आप देखेंगे हम सावधान यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चलने का काम। जी बिल्कुल, 75 जिलों से होते हुए बिहार के पटना के गांधी मैदान में हमारा समापन हुआ, वो आप सभी मीडिया भाइयों ने देखा, आपके माध्यम से लोगों को दिखाया गया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी दूसरी बात, हमारा सावधान यात्रा खत्म होता है, हम महिला हक अधिकार महारैली मंडलवार करना शुरू कर दिए। अच्छा आपने देखा होगा कि इस डिबेट में हमारे सपा के भाई है, भाजपा के भाई है, आम आदमी पार्टी है, जी और आज शासन सत्ता में बीजेपी है। जी आपने देखा होगा कि पहली बार मऊ में जब हमारा महिला अधिकार रैली हुआ था, जी उसमें कम से कम 25,000 से 30,000 महिलाओं का हुजूम था। क्या बात, हमें दावे के साथ कह रहा हूँ जी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, करके दिखाए ओनली महिलाओं की। अच्छा नेताजी का अलग मंच था, महिलाओं ने अपने हक अधिकार के लिए गौरव भाई चकवा बिल्लन झाड़ टिकट देने वाले क्या थी, कितने टिकट देने वाले ने कहा चुनाव महिलाओं को? बिल्कुल हम तो मांग कर रहे हैं। अच्छा? हम तो मांग कर रहे हैं। अच्छा? हम तो मांग कर रहे हैं गौरव भाई। अच्छा हमारी तो मांग है कि देश की सत्ता में कांग्रेस रही, उसके सहयोगी सपा बसपा रही। क्या बात है, आज देश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। हाँ। प्रदेश की सत्ता में आम आदमी पार्टी है। जी हम तो चाहते हैं, हमारी पार्टी कहती है जी कि अगर आधी आबादी इस देश में महिलाओं की है जी तो क्यों ना उनको आरक्षण आधा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही जी। लेकिन जिला पंचायत में, प्रधानी में जी, बीटीसी में हाँ।
चेयरमैनी में, सभासद में, नगर पालिका में, नगर निगम में 33% आरक्षण है, लेकिन जहां से कानून बनता है गौरव भाई जी, जहां से सारी सुख सुविधा मिलती है, बिल्कुल, उस बड़ी पंचायत लोकसभा और विधानसभा में क्यों नहीं इनकी सीटें आरक्षित होती है जी? हम तो 50% की मांग करते हैं, दीजिए। और जिन महिलाओं की वेदना क्या है, आज महिलाओं की वेदना देश और प्रदेश में सबसे बड़ी जो कुदृष्टि उनके ऊपर आ रही है, इस देश में शराब के लिए बात आ गई आपकी। महिलाओं ने कहा, यार भाई मेरी बात जवाब नहीं दिया, आप शर्त रख दीजिए ना कि शराब नहीं होगी, जाति जनगणना नहीं होगी, आरक्षण नहीं होगा, तो समर्थन नहीं करेंगे भाजपा का। जब जयराम भाई पर जो पार्टी में विघटन हो रहा है, दो चार लोग चले गए, पहले भी लोग गए, उसको कैसे रोकेंगे? आपके लिए एक चुनौती है। देखिए मैं बताता हूँ, जो लोग पार्टी से गए हैं जी, विचारधारा सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, महाराष्ट्र सुहेलदेव की विचारधारा है, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा है, कोई विचारधारा नहीं है, आपके सहजादे उनको भिखमंगे कह रहे थे, किसी को अपमानित करेंगे कोई रहेगा? सुनिए, आपके सहजादे निषाद समाज को, कश्यप समाज को भिखमंगे कह रहे थे, तो कोई अपमान बर्दाश्त करके रहेगा? बड़ा भाषण दे रहे, विचारधारा आपकी है। सुहेल देव का नाम लेते हैं, कभी जो है वो वैसी से गलबहिया करते हैं, और कभी आज बिना बुलाए भाजपा के मेहमान बने। विचारधारा आपकी है, आपसे सीखना पड़ेगा सबको विचारधारा। अभी यहाँ से निकलेंगे तो पता नहीं कौन सी विचारधारा आपकी आ जाएगी। ऑपरेटर में बोलिएगा, बोलिए बोलिए जरा भाई, अपनी बात पूरी करिए। अब देखिए गौरव भाई, इनको बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द है सपा वालों को, पेट में दर्द क्यों नहीं होगा? अब सुनिए भाई, देखो मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, भाजपा का अलायंस तोड़ रहा, दर्द हमें हो रहा। वाह भाई, बारे भार्गव जी धन्य है आपके, जिस भाजपा के लिए कुर्बान हो रहे हैं उन्होंने आगे करके गर्दन काट ली आपकी। सुन लीजिए, अरे पांडा जी, जिस भाषा के साथ में समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, जिन्होंने कहा कि ये जो है इसको हटा दिया जाए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ पांडे जी, वो आप भी बखूबी समझते हैं, आपके समाज के एक महिला के साथ किस तरह आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अवहेलना। समाजवादियों के समाज में आपका हमारा समाज नहीं है, सबका समाजवादी समाज, समाजवादी पार्टी कोई नहीं है, वो डॉक्टर लोहिया की विरासत हमारा आपका समाज अलग से नहीं करती, समाजवादी समाज सबका होता है। ये कोई ओम प्रकाश राजभर का समाज नहीं है कि उनके लड़के का समाज उनका, समाजवादी समाज में कोई व्यक्ति नहीं होता। चार बार सरकार थी, सबको दर्द है भाई, सबको समाजवादी की चार बार सरकार। ओम प्रकाश राजभर एक बार कहे थे कि उन्हें दर्द भी होता है, रो भी नहीं पाते, आज आपकी पीड़ा समझ में आ रही है, भाजपा ने आपकी गर्दन काट लिया, बोल भी नहीं पा रहे हैं, भाजपा ने आपके पीठ में भोग दिया, आप कभी नहीं पा रहे हैं, आपकी पीड़ा में समझ सकते। ठीक है, ये भाई बात आ गई, अगले टर्न संजय निषाद हमारे साथ नहीं है, अगले टर्न पे कुर्बान हो रहे हैं उनके, अगले टर्न पे कैसे भाई, दर्द सबको है, कोई अलग होकर दर्द में है, कोई जोड़ के दर्द में है। ठीक है, ठीक है, हो गया। ठीक है इमरान लतीफ, इमरान भाई पार्टी आपकी काबिले तारीफ। खैर दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ उस पर चर्चा नहीं करेंगे, अब उस घटनाक्रम पर चर्चा करें तो वही मुद्दा हमको रखना पड़ेगा, पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कोई सीट ना जीतने के बावजूद सक्रियता बरकरार है, और निकाय चुनाव 17 की बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पर परिणाम ठीक प्राप्त हुए थे, क्या रणनीति लेके जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए भी चुनौती इसलिए है क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नाम नज़र आता है, वो है राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दूसरा नाम कोई नहीं, कौन प्रतिनिधित्व करेगा? बहुत बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, किस तरह यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए अब स्थिति क्या है? क्योंकि जो सेकंड सीटिंग लीडरशिप है वो फिलहाल आम आदमी पार्टी में देखने नहीं मिल रही है। देखिए गौरव भाई, जब आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकल कर राजनीति में आई थी तो हमारे पास एक भी नेता नहीं, क्या बात, और आज हम दो राज्यों में सरकार बना चुके हैं, राष्ट्रीय पार्टी होने का गौरव हासिल कर चुके हैं जी। ये इस वजह से होता है कि हमारे पास तीन चीजें होती हैं जी, एक हमारे पास मुद्दे होते हैं जी जिसपे हम संघर्ष करते हैं, दूसरे हमारे पास रणनीतियां होती हैं, अच्छा, तीसरे हमारे पास मेहनतकश कार्यकर्ता होते हैं जो पार्टी को आगे ले जाने के लिए और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इन तीनों चीजों में आम आदमी पार्टी बाकी सभी पार्टियों से कहीं ज्यादा आगे है, और उसका यही परिणाम है कि 10 साल के अंदर हम अपने मुद्दों की राजनीति के बल पर, कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर और अपनी रणनीतियों के दम पर हम राष्ट्रीय पार्टी हो गए। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हम लड़े, पूरी ताकत से लड़े, लेकिन जनता ने हमको
रिजेक्ट करने का काम किया, दोबारा फिर से हमको मेहनत करने का संदेश दिया, जिसको जो काम हम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी सबसे पहली पार्टी थी जिसने संगठन पे काम करना शुरू किया। हमने सभी 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के अंदर अपने संगठन निर्माण प्रभारी बनाए, जिनका काम था नगर निकाय चुनावों की तैयारियां करना, उसके मद्देनजर संगठन बनाना, और उसका असर दिखा। आम आदमी पार्टी ने बेईमान भगाओ झाड़ू चलाओ यात्रा चलाई, सारे नगर निकाय में उत्तर प्रदेश के अंदर जितने 763 नगर निकाय हैं, हर निकाय में आम आदमी पार्टी ने ये अभियान चलाया। आज आम आदमी पार्टी ने उसके बाद फिर सभी नगर निकायों में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का काम किया। और जहां तक आप लीडरशिप की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, आम आदमी पार्टी ने उसको 8 प्रांत में बांटकर संगठन का काम करना शुरू किया है। जी, 8 प्रदेश अध्यक्ष आज के समय में आम आदमी पार्टी के पास हैं, जो लीडर के तौर पे, नेता के तौर पे, एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पे आम आदमी पार्टी की नींव को मजबूत कर रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले तक, गली गली तक। तो जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है, अगर उत्तर प्रदेश के मुद्दों की बात करें तो चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला रहा हो, चाहे किसानों की बदहाली का मामला रहा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मामला रहा हो, चाहे रोजगार का मामला रहा हो, महंगाई का मामला रहा हो, या राष्ट्रीय स्तर के जो भी मुद्दे रहे हों, उत्तर प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने सड़क पर जितना संघर्ष हो सकता है, जितना संभव है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से किया है, और जनता के मन मस्तिष्क में जगह बनाई है एक विपक्षी पार्टी के तौर पे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और यही संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। जिस तरीके से हमने राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक मजबूत छाप छोड़ी है, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में भी हम अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे। नगर निकाय का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, 24 का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे, उसके बाद 27 का चुनाव भी एक मजबूत पार्टी के रूप में हम उत्तर प्रदेश में लड़ने जाएंगे। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी, भाई यहाँ पर आपकी क्या समीक्षा है? विस्तार चल रहा है, मेहनत चल रही है, दर्द भी है, खुशी भी है। दर्द इस बात का है कि कोई चला गया, खुशी इस बात की है कि मजबूती चल रही है, संगठन को मजबूत किया जा रहा है, और यहाँ तैयारी निकाय चुनाव को भी है, तैयारी यहाँ पर 24 चुनाव को देखकर भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाना ही है। कैसे देखते हैं जी? गुरु जी, जी गुरु जी, मैं सबसे पहले जी आपके राष्ट्रीय चैनल से देश प्रदेश वासियों और प्राइम टीवी परिवार को जी होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरु जी, मैं लगभग सभी प्रवक्ताओं की बात सुना जी, और जेपी भाई हमारे कह रहे थे जी कि नेताजी हमेशा पत्रकारों का सम्मान करते थे जी, तो उस बात से तो केसी भाई नहीं बोल रहे, जनकर भाई बोल रहे थे, जनकर पांडे पांडे बोल रहे थे सभा जी। नेता जी, एक बात हुई है कोई जी, बोलिए जय प्रकाश भाई जी। मैं मुलायम सिंह जी का हमेशा आभारी रहूंगा। क्या बात है, नेता जी मोहन लग गए यहां नहीं है पांडे जी, मोहन लग गए जो सत्य है गौरव जी जी, देखिए 100% सत्य है कि नेता जी से ज्यादा और राजनाथ सिंह से ज्यादा जी किसी ने मीडिया का समर्थन नहीं किया है जी। आज ये स्थिति हो गई गौरव जी जी कि सचिवालय पास के लिए भी पहले इंटेलिजेंस जांच हो, जांच होने के बाद भी सचिवालय पास बनेगा कि नहीं बनेगा ये निश्चित नहीं है। अब जब जेपी भाई ने छेड़ा है तो मैं कहना चाहूंगा कि एक नौकर शाह नवनीत सहगल ने ऐसा आदेश कर दिया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की गतिविधियों और कार्य शैलियों को इतना प्रभावित कर रखा है और उनके पत्रकारों को मीडिया को उसे दूर करने के लिए खाही बना रहा है। उसी आदेश के तहत आज न कवरेज हो पा रही है, न हमारे आदित्यनाथ योगी जी की खबर सही ढंग से ग्रामीण अंचलों में पहुंच पा रही है जी। क्योंकि वो ऐसे नौकरशाह हैं कि वो चाहते थे जी सरकार में गए अखिलेश सरकार में अखिलेश डुबा दिया, बसपा में गए बसपा डुबा दिया, और भाजपा में जैसे ही प्रमुख सचिव रूप में आए ऐसा आदेश गौरव जी उन्होंने कर दिया। अरे केसी भाई जी, इमरान भाई आप अंधेरे में बैठे हुए हैं जी, बस दो मिनट में और बात करूंगा, थोड़ा सा रोकूंगा भाई। केसी भाई इमरान जी बोलना चाह रहे हैं, 24 घंटे लाइट देने की बात हो रही थी, खुद ही अंधेरे में बैठे हुए हैं। अरे चली गई होगी धोखे से, कुछ फेलियर हो गया होगा। कहां चली गई भाई? अरे लाइट तो आपको चली गई भाई उत्तर प्रदेश में जी, ये तो
अरे कोई बड़ी बात नहीं, राजनीति जैन साहब हमारे अंधेरे में बैठे हुए, अभी कल ही तो शायद मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे कि बिजली जाएगी ही नहीं। नहीं नहीं, लाइट तो आपकी भी चली गई उत्तर प्रदेश से, जनता ने काम किया भाई, भी लाइट आएगी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, दिखाएंगे तो लाइट आएगी भाई। सैफ भाई में डांस थोड़ी हो रहा है, 24 घंटे बिजली आएगी। जवाब आ गया, जवाब आ गया, ठीक है। इसके लिए कुर्बान हो रहे थे, उन्होंने गर्दन काट के रख ली है, अभी सैफ ही दर्द जा रहा है। धन्य है भैया, आप जैसे लोग रहेंगे तो सुभाषपा का भविष्य जरूर उज्जवल है। धन्यवाद। आप सुनील भाई बात पूरी करिए, बताइए, बोलिए बोलिए। देखिए आपने भी देखा होगा विधानसभा सत्र में जी, सुनील भाई आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज वो बोलिए 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 सुनील भाई बोलिए। जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही। जी बोलिए, सत्र में भी जी योगी जी के प्रश्नों का हाँ सबसे सही जवाब आवाज बढ़ाई जाए जी, जी 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 उन्हें लोगों के बारे में जानकारी है, उनका व्यक्तित्व जी। अच्छा ठीक है, चले ठीक है, लेकिन एक बस एक सेकंड दो, बोले बोले बोले। जो हमारे जेपी भाई कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, हाँ ये समाजवादी पार्टी नहीं, इसको एक यादववादी पार्टी कहिए। अभी आप तारीफ कर रहे थे, अब यादववादी पार्टी बोल रहे हैं। अरे जगह रही है भाई, बताइए क्या कहना चाहते हैं। यहाँ नेताजी तारीफ कर रहे थे, अब बोल रहे हैं कि यादव वाली पार्टी है। अरे सरकार, आप पत्रकार है, जरा उच्च सदन जी, उच्च सदन को राजपूत सदन वाली लिस्ट दे दें क्या हम आपको जी? पिछड़ों के बड़ी रहनुमाई, चलिए ब्राह्मणों से तो बदला ही लिया जा रहा है जी, ब्राह्मणों को तो जिंदा भी मारा जा रहा है और आग के हवाले, मतलब दूसरा जौहर भी सुन। अच्छा, अरे ब्राह्मणों से अपेक्षा नहीं है, सुन लीजिए सुन लीजिए। आप क्या यादववादी पार्टी करते, आपकी हिम्मत हो तो कहिए, आप एमएलसी की लिस्ट उठा के पढ़िए, कहाँ है पिछड़े, कहाँ है दलित जी, उससे बढ़िया नाम ही बदल दीजिए ना उसको, राजपूत सदन कहिए, कह नहीं पाएंगे। सबसे आसान मिलता है कि आपको एक खास सोच के कारण, क्योंकि सामाजिक न्याय की जो ताकतें वो पचा नहीं पाते उनकी भागीदारी सहभागिता। अच्छा। तो आप सीधे सीधे कह देंगे यादव दल, आप जैसे पत्रकार वहां कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि राजपूत सदन हो गया हमारा उच्च सदन। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या कहूँ कि पत्रकार नहीं, तो आप जाति का नाम ले रहे हैं तो वो भी साहस करें। अरे भाई अभी आप तारीफ कर रहे थे यादववादी पार्टी, गलत होगा। देखिए आप पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, अगर एक जगह गलती आप तथ्यों के आधार पर दे रहे हैं तो दूसरा मैं साक्ष्य दे रहा हूँ, सर्च कर लीजिएगा जी, कि जितना इन्होंने चयन करना था, इनके संगठन से जाना था, हमारे नेता बैठे हैं जैन भाई हैं, इनको भी दर्द है, कोई नहीं है। आपकी तारीफ पे खुश हो रहे थे और आपने जब बोल दिया यादववादी पार्टी, इसलिए ये सब सब दर्द बहुत है, दर्द सबको है, दर्द सबको है यहाँ पर। आपने अगर नेताजी की तारीफ की तो खुश हो रहे थे, जैसे ही यादववादी पार्टी के किस आधार पे यादव दल है भैया जी, कितने विधायक हैं यादव बताइए, बता दीजिए हमारे, बता दीजिए, और कितने कितने परसेंट जो है योगी के सजाती लोग विधायक है जी, और यही एमएलसी की लिस्ट थी, सुनिए, यही इनके संगठन ने उम्मीदवार घोषित किया बनारस में। अच्छा, बनारस में घोषित पिछड़ा उम्मीदवार था, लेकिन योगी बाबा को जो पिछड़ों दलितों के प्रति घृणा है, अच्छा, एक मनुवादी सोच के आदमी की, उन्होंने अपने घोषित कैंडिडेट को हरा दिया, किसके लिए, प्रदेश के सबसे बड़े माफिया के परिवार को। ठीक है, हो गया, ये मत पूछिए, ठीक है, आप भूल जाते हैं, चलिए ठीक है, बात कर रहे हैं, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही सुनील भाई, और सुन लीजिए, बोलिए बोलिए जो जो अपराधियों का, जिन संगठित माफिया का अपराध शास्त्र पढ़ते हैं ना, अपराध कई कारण से जन्म लेता है। अच्छा। मैं समर्थन नहीं करता जी, लेकिन कुछ अपराधी परिस्थिति जन और अपने न्याय के हक में लड़ते हैं। ठीक है, किसी बता दीजिए सामाजिक न्याय के जितने अपराधी हो, मुख्तार सहित रमाकांत कोई मुजरा नहीं करवाता, मगर मच्छ नहीं पालता, न अयासी करता जी, न दलित पिछड़ों पे अत्याचार करता, लेकिन कुछ ऐसे जगह है गुंडा से लेके जहाँ दलित अभी चप्पल लेके ऊपर जवाब दीजिए। बोलिए किसी भाई, बोलिए गौरव जी, आपकी डिबेट बड़ी संतुलित डिबेट रहती थी जी, लेकिन आज की डिबेट तू तू मेमे वाली डिबेट हो रही है जी। यहाँ पर जयप्रकाश पांडे जी, अरे कहो हम आपको काम, हर एक के व्यक्ति में जिस प्रकार से इंटरप्ट कर रहे हैं ना, उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है जी, बिल्कुल, ना सुनील जी की सुनाई पड़ रही है, बोले, बोले, बोले। ना अभी जो आम आदमी पार्टी के साथी बोल रहे थे वहां पे जी, तो सब में इंटरप्ट करके उनको भाषण देना है जी, केवल भाषण देना है तो फिर कैसे डिबेट हो पाएगी। आपकी डिबेट बड़ी संतुलित रहती थी, लेकिन आज केवल तू तू मेमे हो रहा है डिबेट। आप भी संतुलित है, आप भी संतुलित है, बोलिए अपनी बात पूरी करिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा भाई। जी देखिए, जी जी देखिए, आपने जो विस्तार पे रखा है, पहली बात तो ये कि अभी आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे कि हम अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और हर एक जहां जहां पे चुनाव होने, नगर निकाय चुनाव होने, हमने अपना अपना वहां वहां प्रभारी बनाया है, सारी बातें ठीक है,
लेकिन आम आदमी पार्टी को की जो तस्वीर पहले हुआ करती थी, हाँ, जिसको सोच करके जनता ने आपको पंजाब में भी मौका दिया था जी, क्या वे तस्वीरें आज बची हैं? बिल्कुल नहीं बची, खराब हो गई। क्योंकि देखिए पंजाब में जी, पंजाब में खालिस्तानी विचारधारा से समर्थित लोग जिस प्रकार से वहां पर थाने का घेराव करते हैं, थाने पहुंचते हैं और एक अपराधी को छुड़ा ले जाते हैं, जबरन छुड़ा ले जाते हैं, और आपके वहां का डीजीपी कहता है कि भाई हमने तो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तो गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के आए थे। अच्छा। अरे तो क्या गुरु ग्रंथ साहब सबके हाथ में था? ऐसा तो था नहीं, गुरु ग्रंथ साहब की एक पालकी लेके गए थे, लेकिन इस तरीके से तो मुसलमान कुरान लेके चला जाएगा, हिंदू रामायण लेके चला जाएगा, तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? पुलिस अपराधी को छोड़ देगी? उसके साथ में हजारों की संख्या में लोग कुरान लेके आ गए, वो लोग रामायण लेके आ गए। तो ये इस तरीके की जो नई विचारधारा पैदा कर रहे हैं और एक तरीके से अपराधियों को प्रेशर देने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। और उसके बाद भी क्या हुआ, जिसको ये साफ सुथरी पार्टी कहते थे झाड़ू लगाने की, अरे झाड़ू तो आपके ही विधायकों पे सांसदों पे झाड़ू लगता जा रहा है। और संजय जी बचे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है कि वो यहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपके कितने मंत्रियों पे कितने कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आप उसकी आड़ किसकी ले रहे हैं? शराब माफिया बन करके आते सिसोदिया जी और उनको बताया था ये तो शिक्षा मंत्री है। अरे शिक्षा मंत्री को नहीं गिरफ्तार किया गया, शराब पी के गिरफ्तार हालचाल लिया आपने भ्रष्टाचार। अरे दिल्ली की शराब के हालात तो उतनी बेकार नहीं जितना अलीगढ़ के अंदर, शराब के गुजरात के अंदर तो ड्राई स्टेट है, वहां पर जो शराब आप परोसते हैं जैन साहब उसमें बात कर रही थी और भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे। भ्रष्टाचार पर जब भाजपाई बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि डाकू कपर से प्रेम और अहिंसा पर जो है वो दर्शन दे रहा है। बताइए यदुरप्पा की पार्टी वाले, यदुरप्पा का हाथ पकड़ कर कर्नाटक की गली गली में घूमने वाले नेताजी की पार्टी बता रहे भ्रष्टाचार क्या है। अच्छा। अरे आप बताइए श्वेत अधिकारी का नाम लेंगे, बुकुल राय का नाम लेंगे, रमेश का नाम लेंगे, पंडित सुखराम का नाम लेंगे, नारायण काले का नाम लेंगे, हेमंत बिस्वा सरमा का नाम लेंगे, जैन साहब पे गुस्सा होने लगेंगे। अरे भाई हेमंत बिस्वा सरमा याद है कि नहीं आपको? जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तो वाटर स्कैम का इतना बड़ा घोटाला था कि जैन साहब जैसे लोग बुकलेट में बैठे और वही हेमंत बिस्वा सरमा जब कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में आ गए, वाशी मशवरा ने बना दिए। आपके सारे शीर्ष नेताओं को 2 मिनट के अंदर जेल में डाल दिया जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप उसमें कौन सी बड़ी बात है? लाइए ईडी सीबीआई हमको दीजिए, जैन साहब जिसका जिसका लिस्ट बना देंगे उसको अंदर डाल देंगे। ये कौन सी बहुत बड़ी महारत है? आपने हम भी जो चाहे उस मंत्री को जेल में डाल देंगे, ईडी सीबीआई दे दीजिए हमको। और जो 72 प्लाट के बैठे थे उनकी सीबीआई जांच करने नहीं जाएगी? 72 प्लाट वाले जो मंत्री जी थे उनके यहाँ बुलडोजर गया क्या? उनके यहाँ ईडी सीबीआई गई क्या? या जो अभी 6 करोड़ रुपए जो आपको कर्नाटक में मिले हैं क्या उनको आपने जेल के अंदर डाला? तो आप तो यहाँ पे खुला नाच कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी उसको आप बचाएंगे और जो विश्वसनीय स्कूल बनाएगा अस्पताल बनाएगा उसको आप अंदर डाल देंगे? सही बात है जो बात अभी पांडे जी कह रहे थे, उस बात से हम सहमत है कि जो शोषित तबका है, पिछड़ा तबका है, कमजोर तबका है, उसको जो भी उठाने का प्रयास करेगा उसको आप ईडी सीबीआई से डरा के धमका के जेल के अंदर डाल देंगे? आपकी हिम्मत बिल्कुल नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है कि जो लोग वास्तव में बाहुबली हो उन पर कार्रवाई कर ले, जो लोग वास्तव में भ्रष्टाचारी हो उनको जेल के अंदर डाल ले। ये आपकी बोलिए, आपने 2 मिनट भी हमको नहीं दिया बोलने का, बोले बोले दूसरे को मौका दे रहे हमारे टाइम पे। बोले 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 इमरान भाई, अरे मैं किसी के बीच में नहीं बोला, एक शब्द में नहीं बोला किसी के बीच में। अच्छा मैं लाइट वाली बात चलिए बता दे, हटाइए आप नहीं बोलेंगे, एक सवाल का जवाब दे जैन साहब, आप हमारे बड़े भाई एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप दोबारा बोल नहीं पाएंगे, लाइट बार-बार जा रही है। अरे आप ऐसे नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा था दोबारा बोलने की हैसियत नहीं है। इमरान भाई बता दीजिए, बता दीजिए आपियों की ये शराबियों की हैसियत औकात नहीं दोबारा बोल पाए। अरे आपसे ज्यादा बोलना आता है जी, अरे आपकी बात से जवाब नहीं दे पाएंगे मित्र मेरे, ये शराबियों की हैसियत औकात नहीं है। बार बार ये लाई अंधेरे में कहां बैठ जा रहे हैं आप भाई? शराबी माफिया पार्टी जो है, अरे अंधेरे में कहां बैठ जा रहे हैं, शराबी माफिया पार्टी की औकात होली के दिन
है, हो गया, हो गया। जेल में ही रहे। अरे लाइट क्यों नहीं, लाइट, अरे सीबीआई बिजली क्यों चली जा रही है जी, अरे 24 घंटे बता दीजिए मुझे। सीबीआई रे, सीबीआई ने आपको तो नहीं बंद कर दिया ना जी, सीबीआई ने, सीबीआई ने केजरीवाल को नहीं बंद कर दिया ना। हमको दे दीजिए, लिख दीजिए जिसको कहेंगे उसको बंद करेंगे भाई, कौन सी बड़ी बात है, ये बड़ी पार्टी है। पंजाब के मुख्यमंत्री जेल चले गए क्या, सीबीआई ने उनको जेल भेज दिया क्या जी? जो भ्रष्टाचारी है, जो गलत करेगा जेल जाएगा, और आरोप लगाओ, उसके बाद आरोप लगा के बच जाएगी सीबीआई आपके पास में। अरे क्या दरोगा जाएगा जांच करने, सिपाही जाएगा जांच करने, एक मंत्री की, मंत्री की जांच शर्मा की जो जांच हो रही थी बताइए, शारदा घोटाले में जो नारायण राणे की जांच हो रही थी उसका क्या हुआ? आपको औकात दिखा दी, मुकुल राय की जांच का क्या हुआ? ठीक है, शिवेंद्र अधिकारी की जांच का क्या हुआ? ठीक है, पंडित सुखराम की जांच का क्या हुआ? सीएम रमेश की जांच का क्या हुआ? अरे ये सब सवाल का जवाब नहीं देंगे भाई। जब ईडी सीबीआई डंडा लेकर जाती थी, जैसे ये भाजपा में शामिल हो गए, ठीक है, जल्दी बार पूरी। मैं बार बार कह रहा हूँ तू में पसंद नहीं है, वही चीज हो रही है। बोले बोले बोले, मैं जो कहना चाहता हूँ मेरी बात का जवाब ही नहीं आ पा रहा है, मैं उन्हीं की बात का जवाब देता हूँ, वो मेरी बात का जवाब देते रहे दोनों बजे डिबेट में। बोले 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 बोले, देखिए अभी 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 जयप्रकाश पांडे जी कह रहे थे समाजवाद है, सबका समाजवाद है, और अभी आदरणीय पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जब एक सवाल किया, ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये यादव पार्टी बन गई है, उसपे हमारे जयप्रकाश जी एकदम तिलमिला गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय। अच्छा। देखिए क्या है कि जिसकी ये बात कर रहे हैं, संगठन की जिसकी ये बात कर रहे हैं, सब चीजों की बात कर रहे हैं, इनके जिला अध्यक्ष उठा के देख लीजिए, किस समाज के जिला अध्यक्ष रहे इनके, नौकरियां इन्होंने किसको दी? देखिए लोकसभा विधानसभा टिकट तक की बात नहीं है, नौकरियां इन्होंने किसको दी? अच्छा, हाँ, और संगठन की जिसकी बात कर रहे हैं, अरे ये संगठन को संगठन करते रहे, सफाया हो गया, साफ हो गई सपा, सपा हो गई, ये संगठन बनाते रह गए। सदन में भी बोलेगा, चौराहे पर भी वही भाषा करेगा। पेंडुलम बना रखा है यादव पार्टी ने, यादव पार्टी ने एक दूसरे यादव को दोयम दर्जे का यादव बना रखा है। अपने चाचा को हैसियत दिखा दी तुम क्या हो, वो तो समर्थन दे रहे आए विधानसभा चुनाव में 2022 में, और फिर उनको खुद ही खदेड़ दिया। वो तो कहो नेताजी जाते जाते कह गए मेरे बेटे का साथ देना, इसलिए आ गए शिवपाल जी साथ में केवल, और बाकी शिवपाल जी को कब किनारे लगा दे? अच्छा। कोई भरोसा नहीं है। ये कौन सी बार किनारे लगा दे, कौन सी चाचा है भाई उनके? नहीं लगा चुके हैं, नेता है, अनुभवी नेता है, कई बार लगा चुके उनको किनारे। अच्छा, आप देखिए 2017 का चुनाव हुआ, उसके बाद खदेड़ के बाहर कर दिया, अरे पार्टी खदेड़ हार गए, ये भी यार उसके बाद में फिर जब नंबर आ गया, फिर नंबर आ गया है अब। अच्छा। आगे चुनाव का लोकसभा का। अच्छा। फिर गले लगा लिया। अच्छा, लोकसभा चुनाव के बाद। हाँ। फिर उनको जो है पेंडुलम की तरह बाहर कर देंगे। अच्छा। इधर उधर अरे बाकायदा विलय हो गया भाई, तो उनको तो यूज एंड थ्रो कर रही पार्टी ना। उनको तो यूज एंड थ्रो कर रहे हैं जिन्होंने पार्टी को पाला पोसा यहाँ तक लाके खड़ा किया, उस पार्टी से उन्हें किनारा लगा दिया, और सबने देखा था क्या क्या जूता पैजार हुई थी मंच पे, जो जूता पैजार हुई, हो गया किसने नहीं देखा, धक्का चले हो गया, नहीं देखा, सब कुछ आया था। और जिस संगठन की बात कर रहे हैं, इसी संगठन के दम पे 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2022 का इलेक्शन हारे, 2019 का हारे, और एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना पाई है, एक भी। ये कहते थे सारे जिसके भी बात कर रहे थे, जवाब दीजिए बोलिए। देखिए ये फिर कहते हैं गोदी मीडिया, बोले मतलब यही कहते हैं गोदी मीडिया जी, और यही कहते हैं भाई हम लोग पत्रकारों के बहुत कुछ करते जी। अरे बहुत कुछ करते हैं, फिर पत्रकारों को गाली क्यों दे रहे हैं जगह बैठ के जी। जिस चैनल पे बैठेंगे। हाँ। उसमें तारीफ करेंगे, नहीं आप तो बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा। बाकी सब मक्कार है पत्रकार, क्या बात, बाकी सबको वहां बैठ के गाली देंगे। अच्छा। दूसरे बैठेंगे तो आपको गाली देंगे। अच्छा। तीसरे बैठेंगे तो उसको भी गाली देंगे, फिर कहेंगे गोदी मीडिया। अरे मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना, मीडिया सच्चाई ही दिखा रही है, लेकिन आपको हजम नहीं हो पा रही है, समस्या इस बात की है। चलो ठीक है,
बोलिए देखो भाई जवाब दीजिए। देखिए ये कहा जाता है कि पाप बोला इज्जत जरूर करते हैं आप चाचा जी को गलत नहीं बात पाप सर चढ़ के बोलता है। हाँ, और किसी मतलब भाई अच्छा पापी है क्या निश्चित रूप से नहीं आप जो पाप सर अरे सुनिए तो मेरी बात उन्होंने बात बात में ये कह दिया कि जिला परिषद अध्यक्ष नहीं बनवा पाए। अच्छा तो मेरे भाई जिला परिषद अध्यक्ष का पद जनता सीधे नहीं चुनती वो आप भी जानते हैं जो चुनाव हुआ था जो जनता को देना था जनादेश वो रिजल्ट आपको भी मालूम है किसके पास था। अब हमारे सारे सदस्य हमारे अध्यक्ष बुलडोजर बाबा आपको जिता दें तो क्या करें लेकिन मैं वो भी कबूल कर रहा हूँ। सवाल ये था कि उसी जिला परिषद अध्यक्ष के लिए जो संगठन घोषित भी कर रहा था तो पिछड़े दलित कहाँ थे। अच्छा आप तो पिछड़े दलित का बड़ा नारा लेते हैं और जिन जिला अध्यक्षों की आप बात कर रहे हैं अच्छा। जिलाध्यक्ष सत्ताधारी दल का कोई मंत्रालय राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त नहीं है बिल्कुल वो संगठन का आप यादव जाति का टिकट उठा के देख लीजिए जी कि कितना शेष पिछड़ों को दिए हैं कितना आवाज दिए जिसकी बात करते हैं। सुनिए मैं बता रहा हूँ सुनिए अब मैं नहीं बोल रहा था जो बोलना शुरू कर दिया है जिसके पास कोई पावर नहीं आप बता रहे हैं जब आप मैं आपकी बात लेता हूँ आपके नंबर है दूसरे ओबीसी को 70 से ज्यादा जातियां उत्तर प्रदेश में ओबीसी की और आपको चाहे चाहे एमएलसी हो चाहे आपका एमएलए का टिकट हो चाहे आपको जिलाध्यक्ष बनाना हो चाहे आपको उसके बाद में लिस्ट जारी होती जब सिलेक्टेड कैंडिडेट की तो सिर्फ यादव 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 तो बाकी 70 जातियां कहां जा रही है। कहते 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 जनगणना करा लीजिए जातिवादी तो ये रामायण जला के हार गए जनगणना करा के हार गए। अब दूसरी तीसरी चौथी बात कर रहे हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं समाजवादी पार्टी के पास ये केवल कोड़ी का भीन हो गई है क्या करते हैं संगठन है संगठन है इनके पास ना मुद्दा है आप मुद्दे कहना चाह रहे हैं सारे मुद्दे बीजेपी पास है ये लोग मुद्दा भी हो गए। सुनिए जब सदन में आपके आका बैठे थे ना अरे औकात नहीं थी जी कि कहने जाति जनगणना नहीं कराएंगे। अच्छा और आपने मोदी जी भी बहाना दिए हाँ। कि अभी कोविड के कारण दिक्कत में है लेकिन बिहार में जानते हैं बिहार में जनगणना हो कहाँ आप विरोध कर दिए कहे हाँ। समर्थन दे दिए जी जाति जनगणना का क्या मतलब है। अरे आप कहाँ दे पा रहे हैं 70 जातियां है ना हम तो देंगे जाति जनगणना करा के रहेंगे जाति जनगणना अगर हो जाती तो उत्तर प्रदेश उच्च सदन एक जाति विशेष का अड्डा नहीं हो पाता। आप केवल लॉलीपॉप दिखा रहे आप भी थे आप भी थे 2012 से 17 तक जनगणना क्यों नहीं कराई ये भी तो सवाल है जनगणना आपने क्यों नहीं कराई। बोलिए आज आप जनगणना जनगणना की बात कर रहे हैं किसी भाई 2017 से 2012-17 तक आप सरकार में रहे आपने जनगणना क्यों नहीं कराई किसी भाई इसका मतलब आप केवल लॉलीपॉप दिखा रहे हैं जनगणना का आप चाहते नहीं खुद ही नहीं चाहते आप जनगणना। बोलिए जयप्रकाश जल्दी बोलिए बोलिए जयप्रकाश जल्दी जवाब दीजिए लॉलीपॉप दिखाते हैं आप लोग। देखिए जाति वो तो दुनिया जानती है कि सामाजिक न्याय के जो भी आज सहूलियतें हासिल हैं जी चाहे वो भारत की आजादी ही जो लड़ा भारत छोड़ो अंग्रेजों को छुड़ाया वो भी समाजवादियों की देन थी और जो इमरजेंसी के बाद लड़ा गया चाहे मंडल आयोग की रिपोर्ट रही हो या ये जाति जनगणना के बाद जो इनका समापन अंतिम बचा खुचा है इन्हें विदाई इनकी होने वाली है समाजवादियों ने सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और मैं दावा से कह रहा हूँ मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि ये अरे सुन लो सुन लो अच्छा 2012, 2017, 2019 हिंसा से हिंसक हो जाओगे सुना देंगे। जब से आपका जन्म हुआ है ना जनसंघ का जब से जन्म हुआ आज तक के चुनाव का देख लेंगे तो एक दुनिया के किसी लोकतांत्रिक पार्टी का इतना हारने का पराजय का इतिहास ही नहीं है। लोग गोमती में डूब के आत्महत्या कर लें जिसमें पानी नहीं होता ग्लेशियर से नहीं निकलती है। अच्छा आप इतना कोई चुनाव तो हारा है आप इतना कोई चुनाव हारा है और सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए अरे सुन लीजिए भाजपा है क्या क्या रही है भाजपा। भाजपा जब से जनसंघ रहा है दो हम दो हमारे दो की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा चुनाव हारे हैं। समाजवादी पार्टी या तो सत्ता में रहती नहीं प्रतिपक्ष में रहती है उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पे नहीं गई और आप तो 15 साल रहे इस बार 30 साल रहेंगे नंबर 3 पे। क्या बात आप जैसे को कॉपी कर रहे हैं इसका मतलब ना आप ही हारने के लिए बैठे हुए हैं यही तो बात है। मैं तो कह रहा हूँ फिर से सुन लो फिर से सुन लो केसी जैन जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है या तो हम सत्ता को हटा के सत्ता में रहे नहीं नंबर 2 पे रहते हैं। क्या बात ठीक है आपकी है हैसियत कर लेंगे कल्याण सिंह के बाद कहाँ चले गए। अरे हम तो दोबारा और जिस तरह जिस तरह चुनाव जीते हैं जिस तरह चुनाव संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटके सिपाही जगह भाई हो गया देहरा भार्गव अपने चिल्ला रहे हो देहरा भार्गव बोल रहा है गड़बड़ हो रही है चलो ठीक है
जनता ने हो गया, जनता तो हमारे मार्ग बात करेंगे आपका डॉलर ने आप लोग बोल लीजिए मतलब क्या है, मैं दोनों पे डिबेट कर लेता हूँ, मतलब ही नहीं है राजधानी बुलाने से। ठीक है जयराम भाई, अपनी बात पूरी करिए, जयराम भार्गव बोलिए जी। देखिए जी, यहाँ पे दो पार्टियां लड़ रही हैं बड़ी जबरदस्त, भाजपा और सपा। मुझे बड़ा हंसी है, आश्चर्य और हंसी हो रही है, हंसी हो रही है जी। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है जी कि जब सत्ता में समाजवादी पार्टी थी तब किसी पिछड़े दलित को याद नहीं आया, आज उसके रहनुमा बन रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, आज रहनुमा हमारी तो लीडरशिप ही पिछड़े समाजवादी है। अब देखिए 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 भाई, पांडे जी की गलत बात है, पांडे जी की गलत बात है बोला करिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानित करिए। अगर झगड़े करना तो मैं चुप हो जाऊंगा, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, बीजेपी से सवाल कर रहा हूँ। बताइए, बोलिए, पिछड़ों का हक अधिकार दिलाना चाहती है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों से पूछ रहा हूँ, पूछ रहे करिए, लड़िए हमारे साथ सदन में चल करके, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करवाइए समाजवादी से, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी से कर रहा हूँ, चलिए भारतीय जनता पार्टी से लागू करवाइए समाजवादी, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो। अब दूसरे बात करते हो आप लोग जो है पिछड़ों का दलितों की, जब आप चार बार सरकार में रहे पिछड़ों का प्रमोशन में आरक्षण क्यों खत्म कर दिए भाई जी। और उसके बाद आप बात करते हो जब आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर सदन में लड़ाई लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के विधायक कह कह लगाते हैं, ये गलत बात है। जनता ने आपको जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता है उसमें अति पिछड़ा अति दलित पिछड़े समाज के लोगों का सर्वाधिक भूमिका है, चाहे वो सपा के लोग है, चाहे बसपा के लोग, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग हो। वहां कसम खा के आप लोग आते हो कि हम सदन में आपका हक अधिकार लड़ेंगे, लेकिन जब सदन में क्वेश्चन करने की बात आती है तो सब अपने मनगढ़ंत की बात करते हो, अपनी अपनी बात करते हो, जनता की कोई बात नहीं करता। दूसरी बात, जातिवाद जनगणना की बात करते हैं, हम दिल ठोक के स्वागत करते हैं, आप जातिवाद जनगणना कराइए हम आपके साथ में, लेकिन प्रश्न उठता है अगर भारतीय जनता पार्टी जातिवाद जनगणना कराए हम तो भंग करते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन तो समाजवादी पार्टी के साथ आती है। चार बार आप रहे तो क्या भैया भांग खा के आप लोग सो रहे थे, तब आपको समझ में नहीं आया जातिवाद जनगणना, जब आपकी सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी कांग्रेस की तब आपको समझ में नहीं आया 17 जातियों को आपने मंदिर का घंटा बना करके, जब जब उत्तर प्रदेश में कोई भी पुलिस भर्ती हो शिक्षक भर्ती हो आप 17 जातियों को एससी में डालने के लिए आप केंद्र में भेजते थे, और ये प्रक्रिया समाजवादी बसपा और भारतीय जनता पार्टी तीनों ने किया, और जबकि करने वाले मुख्यमंत्री पढ़े लिखे उनको पता है कि ये काम केंद्र का है, लोकसभा राज्यसभा का है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नहीं है, लेकिन उन 17 जातियों को अपने मंदिर का घंटा बना के छोड़ दिया। अच्छा। वो बेचारे ना तो एससी में रहा ना जो है ओबीसी में रहा, उसकी क्या गलती है जी? आपने उसको बहकाने का काम किया, बैठ करके आप दोनों पार्टियां क्यों झगड़ा करने का काम करते हो, काम नहीं करते। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, बताए कैसी दे आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कब लागू कर रहे हैं, बताए कैसी भाई, बताए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के टेबल पर बैठा, बताए आप कब लागू करेंगे। जातिवार जनगणना जब आप विपक्ष में थे, और सुनिए आज के रक्षा मंत्री मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनाई थी, उनकी सरकार चली गई थी, आप उसी के तो करिंदे हैं भाई, आप उसी पार्टी से रिलेटेड है। आज वही पार्टी तो उत्तर प्रदेश में, क्या नाम मुख्यमंत्री के तौर पर योगी जी बैठे हैं, क्यों नहीं करते दीजिए इस चैनल के माध्यम से, आप बताइए हमको आश्वस्त करिए कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भ्रष्टाचार का जिक्र किया था और तमाम चीजों का जिक्र किया था, उसी बात पे मैं आना चाहता था। जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित साथी भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे डाकू गब्बर सिंह प्रेम पर सत्य पर और अहिंसा पर जो है ज्ञान दे रहा हो। अच्छा, अब भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ क्या हुआ उसका बता दीजिए ना, मैं बता रहा हूँ भैया, बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए, समय कम कर लीजिए, आखिरी दो मिनट बचे, जान रहा हूँ कि बर्दाश्त नहीं होगा जी, बर्दाश्त नहीं होगा इसलिए बोलना शुरू करेंगे। अरे सुन तो लीजिए जैन साहब, जरा से देर में बेचैन हो जा रहे हैं भैया, जवाब वहाँ पर देता, बेचैन काहे हो जा रहे हैं, सुन तो लीजिए, कैसी भाई सुन लीजिए, सुन तो लीजिए महाराज, जनता ने दो दो मुख्यमंत्री, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, सब जगह भ्रष्टाचार हो रहा है,
अरे मैं कहता रहा हूँ ईडी सीबीआई हमको देखेंगे, किसको कहेंगे उसको भैया, काहे परेशान है भाई। शराब का नाम लेके बड़ा हंस रहे थे और इनके साधु मुख्यमंत्री सदन में बड़ा गर्व से पीठ थपथपाया कि हम 4x12,000 करोड़ का 45,000 करोड़ दारू बेच रहे हैं। चलो ठीक है ठीक है, चाहे आपके शराब मंत्री हो पंजाब में, पंजाब में तो आप खालिस्तान की स्थापना कर रहे हैं जी, पंजाब में तो कतलेआम करवा देना चाह रहे हैं। जैन साहब बिजली है कि चली गई? अरे बिजली है भाई, बिजली की चिंता मत करिए, बिजली की चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आती है। अरे अभी हम देख रहे हैं, वो दौर गया कि 5 जिलों में बिजली आती है। ठीक है ठीक है, वो दौर गया। सुनील भाई, सुनील भाई, सुनील त्रिपाठी, जय त्रिपाठी, बात पूरी कर लेने दीजिए। बोले 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 जल्दी बोलिए, देखिए जल्दी बोलिए। मैं एक बात कह रहा था, अभी मैं जैन साहब से खाली इतना कह रहा हूँ कि ईडी सीबीआई हमको दे दीजिए, उसके बाद एक लिस्ट दे दीजिएगा, जिसको जिसको कहेंगे उसको उसको ठीक है। ये कौन सा श्री त्रिपाठी बोलेंगे? हो गया हो गया, श्री त्रिपाठी बोले, ठीक है ठीक है, हो गया। आखिरी दो आखिरी में तो सुनील त्रिपाठी बोलिए, बोलिए गौरव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए गौरव जी। जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जी, बोलिए। मेरा जेपी भाई से दो सवाल मेरे हैं, जल्दी बोल दीजिए। पहला सवाल है, करी हमें बात पे तरस आ रहा, सवाल पे तो कहीं नोटिस ना आ जाए आप पे। कोई बात नहीं भाई, हम लोगों गला काट दो, हम तो पत्रकार हैं, लाठी डंडा सब खाते रहते हैं। चलिए बोलिए बोलिए, उसका कोई आपको दिक्कत नहीं है जी, बोलिए। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस रामायण पे आप जिस चौपाई पे आप रामायण चला रहे हैं, क्या नेताजी के पीरियड में रामायण नहीं थी? अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो तो बता दीजिए। अच्छा, शिवपाल जी ने स्पष्ट कहा कि हमसे इससे कोई मामला नहीं, ये अपना जिसकी सोच है उसी सोच। अच्छा ठीक है, और रोहित तिवारी ने विरोध किया तो आपने उनको पार्टी में रखा कि नहीं रखा है, जरा आपको बता दीजिए। अच्छा, तो जेपी पांडे जी, हम ब्राह्मणों का तो सब कहीं वही हाल है, आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए। ब्राह्मण दयानंद भी थे, शंकराचार्य भी थे, अगर कोई भी रूढ़ी परंपरा हमारे हाथ में, समाज को आप सभी के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बड़ी ठीक है, हो गया हो गया हो गया, आप सभी के इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी संगठन विस्तार की, यह चर्चा थी रफ्तार की, यह चर्चा थी विश्वास की, और चर्चा थी आने वाले समय की तैयारी की, रणनीति क्या रहेगी और किस तरह यहाँ पार्टियां अपना दमखम दिखाएंगी, क्योंकि यहाँ पर चुनौती की घड़ी आ चुकी है। निकाय चुनाव भी आने वाले हैं और आने वाला है 24 का आम चुनाव, तैयारी कैसी होगी, संगठन कैसे बढ़ेगा और एक दूसरे को यहाँ पर कैसे हराएंगे, उस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी की बात करें, चाहे सपा की, चाहे कांग्रेस की, और चाहे जलजले की तरह बढ़ती आम आदमी पार्टी की, भाई इसलिए बोला कि दो राज्यों में सरकार बना चुकी है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है और देश में किसकी सरकार बनेगी, क्या यहाँ पर मोदी सरकार की हैट्रिक होगी, यहाँ पर कुछ बदलाव होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है, चुनौती इस बार बड़ी है और यहाँ पर संघर्ष बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर रणनीति बेहतर हो रही है, और अगर अनुभव बताएं तो अनुभव के हिसाब से सभी पार्टियाँ यहाँ पर संगठन के विस्तार करने में लगी हुई हैं और सभी बोल रही हैं कि इस बार हम आ रहे हैं। बदलाव या संघर्ष या परंपरा क्या होगी, भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात तो स्पष्ट है, 24 का चुनाव इस बार हल्का नहीं होगा, महत्वपूर्ण होगा, संघर्ष भी होगा और विचारधारा भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बने रहिए, और सबसे महत्वपूर्ण होली की शुभकामना के साथ इस डिबेट का अंत करता हूं। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।